आज हम साइंस क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। इसमें हम 1.2.4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। व्हेन टू कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन फॉर्म, जब दो कंपाउंड्स सॉल्यूशन फॉर्म में एक्सचेंज देयर आयंस, अपने आयंस एक्सचेंज करते हैं, देन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी इसके लिए हम ये एक्टिविटी पढ़ते हैं। हमें 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेना है किसी टेस्ट ट्यूब में, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। अनदर टेस्ट ट्यूब में हमें 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेना है और इन दोनों को मिक्स करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? जब एक टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लिया है और एक टेस्ट ट्यूब में हमने बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया है, जब इनको मिक्स करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है, एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है, एक व्हाइट कलर का इनसोल्यूबल सब्सटेंस वाटर में बनता है। यू विल ऑब्जर्व दैट अ व्हाइट सब्सटेंस विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में इनसोल्यूबल है, इज फॉर्म्ड। दिस इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट, इस इनसोल्यूबल सब्सटेंस को प्रेसिपिटेट कहते हैं। एनी रिएक्शन, अब जो भी रिएक्शन प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करती है उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैसे हुई, ये प्रेसिपिटेट कैसे बना? देखिए, हमने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में लिया था सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन और सेकंड में लिया था बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब इनके यहाँ पर आप नोट करेंगे, यहाँ पर सोडियम सल्फेट है, यहाँ क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। देखिए, जो सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन कहाँ है, बेरियम के साथ, और सोडियम कहाँ है, क्लोरीन के साथ। तो ये सल्फेट आयन बेरियम के साथ और सोडियम क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पर आयंस एक्सचेंज हुए हैं और बेरियम सल्फेट बना है और सोडियम क्लोराइड। और जो ये वाइट प्रेसिपिटेट बना था ये बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट ये, और अदर जो सोडियम क्लोराइड है ये सॉल्यूशन में रह जाता है। व्हाट कॉजेज दिस, अब ये जो वाइट प्रेसिपिटेट क्यों बना था, द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ सल्फेट आयन एंड बेरियम आयन, द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। अदर जो प्रोडक्ट क्या बना था, सोडियम क्लोराइड, ये सॉल्यूशन में रहता है और जो ये बेरियम सल्फेट है ये प्रेसिपिटेट बना था। सच रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जिनमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है बिटवीन रिएक्टेंट्स, उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। रिकॉल एक्टिविटी 1.2 वेयर यू हैव मिक्स्ड द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटासियम आयोडाइड। What was the color of precipitate formed? Can you name the compound precipitated? Write the balanced chemical equation of this reaction. Is this also double displacement reaction? जो activity 1.2 थी उसमें हमने क्या किया था, lead nitrate solution लिया था एक test tube में, PbNO3, और इसमें हमने potassium iodide add किया था, ये भी एक्वस था और ये भी एक्वस, और जब इनको हमने ऐड किया था तो बना था लेड आयोडाइड और ये सॉलिड बना था और बना था पोटेशियम नाइट्रेट, ये सॉल्यूशन में रहा था। तो अब जो ये जो था लेड आयोडाइड ये था येलो प्रेसिपिटेट, ये था येलो प्रेसिपिटेट। तो हमने क्या है, व्हेन यू हैव मिक्स्ड द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट विद पोटेशियम आयोडाइड व्हाट वाज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म, तो कलर क्या था, येलो कलर था इसका, येलो। कैन यू नेम द कंपाउंड
प्रेसिपिटेटेड, और इसका नाम क्या है, लेड आयोडाइड। इस एक्टिविटी की का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आई बटन में भी दिया हुआ है, वहां से आप ये एक्टिविटी देख सकते हैं। इस एक्टिविटी को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब हमें ये जो इक्वेशन है इसको बैलेंस करते हैं, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही आएगी। यहाँ पर टू लिख देंगे और यहाँ भी टू लिख देंगे, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसकी इसका जो इसका आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद इज दिस ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि इसमें ये आपस में एक्सचेंज हो गया है और ये इसके साथ यहाँ पर लेड आयोडाइड बन गया है या पोटासियम नाइट्रेट बन गया है। तो दिस इज ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और अगर समझ आ गया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। थैंक यू।